नीतीश कुमार को लेकर लालू के विधायक का विवादित बयान। भाई वीरेंद्र ने आखिर नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा है? बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। पार्टी नेता और सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा पार्टी के दूसरे नेता भी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है, लेकिन इस बयानबाजी के दौरान उन्होंने सीएम को लेकर एक विवादित बयान दे डाला। दरअसल नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाई वीरेंद्र ने अपने एक बयान में कहा कि आने वाले वक्त में जेडीयू नाम का कोई दल नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को या तो राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा या फिर सल्फास की गोली खाकर अपना काम तमाम करना पड़ेगा। आरजेडी प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिस राज्य में आरसीपी टैक्स लगता हो, जिस राज्य में ट्रांसफर और पोस्टिंग में जिले की बिक्री होती हो, नीतीश कुमार उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार की जनता अब ना उम्मीदी में नहीं बैठी रहेगी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब आरजेडी नेता ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। पार्टी में ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। इससे पहले भी पार्टी के कई नेता नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। हालांकि आरजेडी नेता के इस बयान पर जेडीयू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के बाद से ही आरजेडी नेता लगातार नीतीश पर हमलावर हैं। पार्टी प्रमुख लालू यादव तो उन्हें पलटू राम का नाम भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव भी अपने चाचा की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं रखते। ऐसे में पार्टी के दूसरे नेता कहां चूकने वाले हैं। लेकिन ऐसा करने के दौरान उन्होंने सीएम को लेकर विवादित बयान दे डाला। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।